कि जब ब्राह्मणों ने जो मनु को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, उन लोगों ने यहाँ की सभ्यता पर, यहाँ के गरीब तबके पर, यहाँ के मूल निवासी लोगों पर हजारों साल से शोषण किया, उससे भी संबंधित कई फिल्में आई हैं। शूद्र द राइजिंग, जय भीम और भी तमाम मूवी आती रहती हैं। शूद्र का मतलब क्या समझते हैं आप? सनातन के बारे में जानते क्या हैं? सनातन में मेरी बात सुनिए, सनातन में शूद्र सवाल, सनातन में शूद्र का जिक्र ही नहीं है। तो शूद्र द राइजिंग मूवी जैसे फिल्म को देखने के लिए आग्रह ब्राह्मण समाज द्वारा क्यों नहीं किया गया? अगर द कश्मीर फाइल से शोषण दिखता है ब्राह्मणों पर, तो फिर तो इस द शूद्र को देखते हुए तो न जाने क्या हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? ब्राह्मणों ने, आप कह रहे हैं कि शोषण किया, ब्राह्मणों ने कहां किसका शोषण किया है? ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया है। लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस मूवी को रिलीज हुए 6 साल हो गई, आपने अभी तक देखी नहीं है। मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ। द कश्मीर फाइल कैसे देख ली? कश्मीर फाइल प्रमोशन हुआ क्या? अब जो द कश्मीर फाइल के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसका प्रमोशन की बात कर रहे हैं क्या? ये धड़ा, ये कम्युनिटी द शूद्र राइजिंग की मतलब प्रमोशन के लिए आएंगे? आपने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है इंसानियत को दिखाना, धर्म की बात करना नहीं है। आप किसी भी चैनल को, इंडिया किसी भी चैनल को देख लो, सुबह सबसे पहले 8 बजे भविष्यवाणी की जाती है। देखो बुरा लगे माफ करना, लेकिन कड़वा कहता हूँ, भविष्यवाणी करने वाले आप, अत्याचार आप पे हुआ, कश्मीर में जो हुआ उसकी भविष्यवाणी क्यों किसी ने नहीं की? प्रेम के पुजारी हैं, शांति के पुजारी, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो हजारों लोग सड़कों पर तब तो आए ही नहीं, क्योंकि देखो चाहे तो आप लाओ ना, अच्छा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं नहीं, आप देश के नागरिक तो ला ही रहे। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर, आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त हूँ मैं जंतर मंतर दिल्ली में, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर एक साधु जी हैं, वो हमें मिले हैं, उन्होंने जब हमको देखा तो वो कहना चाह रहे थे कि हमारा द कश्मीर फाइल पे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आइए उनसे ही बात स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। सर क्या नाम है आप? मैं योगी बद्री विशाल जी। कहाँ से हैं सर आप? अयोध्या से। अयोध्या से, तो आपका मतलब यहाँ कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली ये सत्याग्रह में आया था, ये जो अपना क्या नाम है राजीव दीक्षित जी के, उसके बाद मैंने अभी हिंदू राष्ट्र के लिए परमिशन ली है। 27 तारीख को हमारा हिंदू राष्ट्र का पुनः है। इससे पहले मेरा हिंदू राष्ट्र का यहाँ पे 25 दिसंबर से लेके और 1 जनवरी तक मेरा हुआ है। हाँ, दोबारा मैंने ले परमिशन लेके। तो सर जिस प्रकार से पूरे देश में चुनाव पे जो फोकस था मीडिया का, एकदम अचानक एकाएक चुनाव को छोड़कर पूरा मूवमेंट मीडिया का, चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, पूरा का पूरा ध्यान कश्मीर, द कश्मीर फाइल पे जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या फिल्म में दिखाया गया है और क्या उसका मतलब सोच है, क्या स्टोरी है? देखिए, कश्मीर फाइल जो है वो सत्य घटना पे आधारित है, जो वहाँ के व्यक्तियों के साथ निर्मम हत्या की गई, उनकी मानवता की हत्या की, वो सत्य घटना पे आधारित फिल्म है। मैं इसे जातिवाद से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा कि वहाँ ब्राह्मणों पंडितों की हत्या हुई है। मैं इससे इस पे यही कहूँगा कि वहाँ पे मानवता की हत्या हुई है, मानवता को वहाँ पे कुचला गया है। जो भी सरकार रही हो, जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, किंतु वहाँ पे मानवता की हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। जिस प्रकार दैत्य लोग हत्या करते, राक्षस लोग हत्या करते थे, उसी प्रकार वहाँ पे हत्या हुई है। आपने कहा हत्या हुई है, बिल्कुल भी, मैं भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान की मतलब बिना किसी कारण के हत्या तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीर में जो हुआ, जैसा फिल्म में बताया गया है कि अन्याय अत्याचार हुआ, लेकिन सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, इस प्रकार की फिल्म, जैसे तमाम मीडिया में ये भी आरोप चल रहा है कि उस टाइम पे सरकार कौन थी, इसको ओपन नहीं किया गया उस फिल्म में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, कश्मीर फाइल कोई फिल्म नहीं है। कोई जैसे फिल्म समझ रहा है तो वो उसकी मानसिकता छोटी है। कश्मीर फाइल एक सत्य घटना है, सत्य घटना पे आधारित है। वो सत्य घटना को उस फिल्म के माध्यम से बताया गया है, वो फिल्म ना समझे, उसको सत्य ही समझे। लेकिन सर जब भले ही जो सीरियल मतलब सत्य घटना पर आधारित जो भी मूवी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करते हैं कहानी को स्टोरी बनाने के लिए। देखिए, उन्होंने मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा और निर्मम हत्या नहीं दिखाई है। वहाँ पे इतना जुल्म हुआ है उस फिल्म में, वो जुल्म आ ही नहीं सकता। वो कहे, वो चीखे उस फिल्म में कैसे आ पाएंगी?
वहाँ पे इतना जुल्म हुआ है, उस फिल्म में इतना जुल्म नहीं दिखाया गया। उतना जुल्म आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपके रूहें कांप जाएंगी, आप खाना पीना छोड़ देंगे, पागल हो जाएंगे। मीडिया पर ये भी खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर खास करके, कि कश्मीर में जो हुआ बिल्कुल एक इंसानियत के नाते किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल इसलिए उठता है कि एक उस वर्ग के साथ शोषण कश्मीर के अंदर हुआ है, जिस पर हजारों साल से इस भारत के समाज को, भारतीय समाज को शोषित करने का आरोप लगता हुआ है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में समझा दूँ कि जो ब्राह्मण समाज या पंडित, जो कश्मीरी पंडित कहते हैं, उनके साथ शोषण हुआ है, शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दड़ा मीडिया का कई सारे मतलब एक्टिविस्ट ये आरोप लगा रहे हैं कि जब ब्राह्मणों ने, जो मनु को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, उन लोगों ने यहाँ के सभ्यता पर, यहाँ के गरीब तबके पर, यहाँ के मूलवासी लोगों पर हजारों साल से शोषण किया है। उससे भी संबंधित कई फिल्में आई हैं, शूद्र द राइजिंग, जय भीम और भी तमाम मूवी आती रहती हैं। ऐसी मूवियों का सत्ताधारी पार्टी, जैसे नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेआम मतलब उसका ऐलान किया कि फिल्म देखना चाहिए, तो शूद्र द राइजिंग मूवी जैसे फिल्म को देखने के लिए आग्रह ब्राह्मण समाज द्वारा क्यों नहीं किया गया? क्या उसमें भारतीय समाज के जो व्यवस्था थी, जो शूद्र बताया गया है, उनके साथ शोषण नहीं दिखता? अगर द कश्मीर फाइल से शोषण दिखता है ब्राह्मणों पर, तो फिर तो इस द शूद्र को देखते हुए तो ना जाने क्या हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? मैं ये मानता हूँ कश्मीर फाइल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की फिल्म नहीं, ब्राह्मण शूद्र की नहीं है। मैंने आपको एक बात बताया, मानवता की हत्या हुई है, और जहाँ पे मानवता की हत्या होती है, हत्या हत्या होती है, और ब्राह्मणों ने, आप कह रहे हैं कि शोषण किया, ब्राह्मणों ने कहाँ किसका शोषण किया है? ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया है। मृत्यु पे ब्राह्मण आता है, जन्म पे ब्राह्मण आता है, वो तो नहीं, वही बता रहा हूँ। आप कह रहे हो कि द कश्मीर फाइल में मतलब सही दिखाया गया है, शूद्र द राइजिंग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्टोरी लिखी है, जो भारत के संविधान निर्माता हैं, उनकी फिल्म पर, उनकी स्टोरी पर आधारित जो जायसवाल जी हैं, उन्होंने फिल्म बनाई शूद्र राइजिंग, उन्होंने फ्री भी कर दिया, यूट्यूब पर फ्री कर दिया है। तो उसमें आपने देखी, पहले तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, आपने शूद्र राइजिंग देखी है? देखो मैंने शूद्र राइजिंग नहीं देखी है, मगर अगर उसमें कोई चीज़ घटना घटी है, किसी की हत्या हुई है, किसी को तड़पाया गया है, तो वो गलत है, वो गलत है। तो हाँ, तो जब उस गलत का आपने ऐलान, जो जितनी भी सत्ताधारी पार्टी हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब क्यों नहीं गया? मैं बता देता हूँ स्टोरी। उसमें मतलब जब एक शादी करके शूद्र आता है, उसकी पत्नी को सरेआम मतलब ले आया जाता है, ठीक है, एक शूद्र का बच्चा होता है, मंत्र का उच्चारण गलती से कर देता है, उसकी जीभ काट ली जाती है। अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए। शूद्र का मतलब क्या समझते हैं आप? सनातन के बारे में जानते क्या हैं? सनातन में मेरी बात सुनिए, सनातन में शूद्र सवाल, सनातन में शूद्र का जिक्र ही नहीं है। सवाल ये नहीं है, सुनिए सर, सवाल सनातन शूद्र की नहीं है, बात इंसानियत की है। जो आपने कही इंसानियत, इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि उसमें भी एक बहुत बड़े भाग को, भाग पर शोषण दिखाया गया है, और वो भी रियल स्टोरी पे। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि इस मूवी को क्यों नहीं देखा आपने, या आपकी कम्युनिटी ने, या हमारी सत्ताधारी पार्टियों ने? और द कश्मीर पर मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ, मतलब किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, और जाति के हिसाब से, चाहे तो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, किसी से घृणा नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए भारत में सनातन में जातियां है ही नहीं, सुनिए मेरी बात, तो सत्य को सुनिए, ऐसे सर करने से काम नहीं चलेगा, सत्य सुनना पड़ेगा। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ले लीजिए। नहीं, नहीं, मुझे मुझे मैं ज्ञान इसमें लेना चाह रहा हूँ, इसी पे दे रहा हूँ को डाइवर्ट मत। सनातन में जातियां नहीं है, वेदों में कभी जातियों का जिक्र नहीं हुआ है। जिस, सुनिए मेरी बात, जिसने सेवा का काम किया है वो शूद्र है, जिसने रक्षा का काम किया है वो क्षत्रिय है, जिसने ज्ञान का ज्ञान दिया है वो ब्राह्मण है, और जिसने व्यापार किया है, पालन पोषण किया है, वो वैश्य है। तो कहाँ से इसमें जातियाँ आ गई हैं? एक एक ही माँ बाप के चार बच्चे हैं, कहाँ से जातियाँ आ गई हैं? अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो जुल्म जुल्म है। तो मैंने आपकी बात मान ली, जो मतलब शिक्षा देने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो देश की रक्षा के लिए काम कर रहा है वो क्षत्रिय है। आज के मौजूदा हालात में देख लीजिए,
कितने परसेंट टीचर हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो एक वाल्मीकि भी हो सकता है, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्या क्या उस वाल्मीकि को वो सम्मान मिल सकता है जो ब्राह्मण को हजारों साल से होता मिलता आ रहा है? सम्मान तो मिला हुआ, सम्मान क्यों नहीं मिला, हम तो सम्मान देते हैं, तो आप भी दो। नहीं तो मेरा सवाल वही है, पहली बात तो आपने, मैं इस टॉपिक पे जाना नहीं चाह रहा था लेकिन आप जा ही रहे हो, ठीक है। रही बात बॉर्डर की, बॉर्डर पे हर देश के, हर समाज के, हर तबके के, हर जात के, हर बिरादरी के लोग उस पे हैं। तो ये कथित तौर पे अभी योगी जी ने कहा यूपी में कि मैं छत्री हूँ, हिंदू मुस्लिम वाली बात, कि 80-20 का नारा, तो कौन छत्री नहीं है, सभी छत्री हैं। यहाँ पर इस कोटी में जितने भी लोग लगे हुए हैं इनमें से सभी छत्री हैं, रक्षा का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, ये तो हो गई शूद्र या मतलब ब्राह्मण छत्री वैश्य वाली बात, आप इतने मतलब एक्टिव मानूंगा, आप जागरूक हैं, आप ज्ञानी हैं, आप दूसरों को मतलब शिक्षा भी देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस मूवी को रिलीज हुए 6 साल हो गई, आपने अभी तक देखी नहीं है? मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ। कश्मीर फाइल कैसे देख ली? कश्मीर फाइल प्रमोशन हुआ इसलिए मैंने मूवी देख ली। तो प्रमोशन इसका भी हुआ था लेकिन इसका विरोध में हुआ था कि इसका मतलब सिनेमाघरों में नहीं चलाया जाए। अभी यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप उसको प्रमोशन करिए, बिल्कुल देखेंगे समाज। चलो ठीक है, आप करें प्रमोशन, तो मीडिया कर रही है ना, मीडिया करे प्रमोशन। मेरे कहने का, मैंने आपको स्टोरी बता दी, उसमें जो जीव काट ली जाती है, 5 साल का बच्चा रहता है। क्या कहा? जिसने जीव काटी वो गलत है, उसने मानवता की हत्या करी है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो जिसने जीव काटी वो राक्षस है, समझ रहे हो? किसी के मानवता की अगर कोई हत्या करता है तो राक्षस है, वो कोई जाति से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं, तो फिर मतलब उसका अब इसके खिलाफ अब पता चल गया, ठीक है, अब तो ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आ गई। क्या अब जो द कश्मीर फाइल के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसका प्रमोशन की बात कर रहे हैं, क्या ये धड़ा, ये कम्युनिटी द शूद्र राइजिंग की मतलब प्रमोशन के लिए आएंगे? देखो कश्मीर फाइल के मानवता की हत्या हुई, आप हिंदू मुस्लिम मेरी में कहां, अरे मैं हिंदू मुस्लिम नहीं जा रहा हूँ। हाँ। बात ये है, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। तो आप करिए ना, देखो कश्मीर में देखो आपने कितना प्रमोशन किया उस मूवी का, शूद्र की मूवी का जो बता रहा, आपने कितना प्रमोशन किया, आपने स्वयं ने आपने कितना प्रमोशन? मैंने तो बहुत किया है? मैंने अपने स्तर से बहुत किया। मैंने तो नहीं देखा आपका कभी, आपके YouTube पे चैनल, आपने तो मेरा YouTube चैनल भी नहीं देखा होगा। मैं कह रहा हूँ मेरा YouTube चैनल भी नहीं देखा होगा। तो इसी तरीके से आप उसकी प्रमोशन करिए, शूद्र का प्रमोशन आप करिए, बिल्कुल लोग देखेंगे। तो मतलब तो ये शायद आपको जानकारी नहीं है, शूद्र राइजिंग का बहुत प्रमोशन हुआ। मैंने देखी नहीं, तो ये आपकी गलती है। और मैं एक बात और बता, मीडिया ने दिखाया नहीं तो हमें पता ही नहीं। हम मीडिया बहुत कम देखते, मीडिया क्यों दिखाया? कश्मीर राइजिंग मीडिया सबको दिखा रहा है, कश्मीर राइजिंग देखो, मीडिया नहीं दिखाता है, पैसा दिखाता है, पैसा विज्ञापन दोगे तब दिखाता है। पूरा चल रहा है, पूरा उस पे चल रहा है, तो विज्ञापन की बात नहीं इसमें। देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रियों से कोई लेना देना नहीं है, सुनिए। हाँ। जो सत्य ज्ञान है उसको सामने लाइए, ये मीडिया का काम है, मीडिया एक जिम्मेदार है, वो सत्य ज्ञान उस पे लाइए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों की हत्या हुई तो वो है, ऐसा नहीं है। वहां मानवता की हत्या हुई, अगर जो आप बता रहे जो फिल्म की जो उस पे हुई है तो वहां भी मानवता की हत्या हुई है। आपने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है इंसानियतों को दिखाना, धर्म की बात करना नहीं है। आप किसी भी चैनल को, इंडिया किसी भी चैनल को देख लो, सुबह सबसे पहले 8 बजे भविष्यवाणी की जाती है। देखो बुरा लगे माफ करना, लेकिन कड़वा कहता हूँ, भविष्यवाणी करने वाले आप, अत्याचार आप पे हुआ, कश्मीर में जो हुआ उसकी भविष्यवाणी क्यों किसी ने नहीं की? कैसी भविष्यवाणी? जैसे आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल देखते होंगे, सुबह 8 बजे भविष्यवाणी चलती है, आज का दिन आपका ऐसा रहेगा, आज का हफ्ता ऐसा रहेगा, ऐसे कलर की शर्ट पहनिए, ऐसा कपड़ा पहनिए। जब क्या नाम है, शायद 21 जनवरी 1991 की बात है, एग्जैक्ट शायद फिल्म के माध्यम से पता चला है। तो जब वो हादसा होने वाला था उससे पहले भविष्यवाणी क्यों नहीं की गई? किस चीज़ की भविष्यवाणी कि मतलब ऐसा हादसा हो सकता है? पंचांग उठा के पढ़िए, अभी भी यूक्रेन का युद्ध हो रहा, पंचांग उठा के पढ़िए, भविष्यवाणी क्यों नहीं होती है? ज्योतिष भविष्यवाणी करते कि देश में अराजकता फैलने वाली है। पंचांग पढ़ा आपने कभी? पढ़ा है पंचांग का ध्यान लिया? पढ़ा है, पढ़िए। यूक्रेन का युद्ध हो रहा, उसकी भविष्यवाणी पहले पंचांग में है। अब इसी साल अभी पंचांग है नहीं, मैं दिखाता हूं आपको। यूक्रेन छोड़ो, नहीं यूक्रेन अभी दो, अभी पुलवामा अटैक हुआ था हमारे, आप यूक्रेन पे गए, भविष्यवाणी पे मुद्दे पे बात करो, आप भविष्यवाणी मुद्दे बात करो, भविष्यवाणी आपने पंचांग देखा? देखो भविष्यवाणी पंचांग दिखाओ मुझे, उस पंचांग में बिल्कुल भविष्यवाणी हुई होगी। देखो भविष्यवाणी पे ही जा रहा हूँ, जो पुलवामा, यूक्रेन मतलब पहले इंडिया से निपट लो।
इंडिया में पुलवामा अटैक होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, तब मतलब यूक्रेन की भविष्यवाणी कर सकते हैं, इंडिया की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं? इंडिया में क्यों नहीं भविष्यवाणी हुई है? तो फिर कैसे जान चली गई हमारे शहीदों की? कैसे हमारे जवानों की, 45 जवानों की मतलब जान कैसे चली? आप रोड पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या पता है आपको? तो वही तो भविष्यवाणी पता होना चाहिए। भविष्यवाणी नहीं होती है वो, भविष्यवाणी आप यूक्रेन के युद्ध की भविष्यवाणी हो सकती है, इंडिया की पंचांग में हो रखी है। मैं क्या कह रहा हूँ, पंचांग पढ़ो ना उठा, मतलब यूक्रेन की पंचांग में हो सकती है और अपने इंडिया की नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, युद्ध नहीं बोल सकते, एक्सीडेंट बोलते हैं। हाँ तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। एक्सीडेंट है, आतंकी हमला मतलब एक्सीडेंट हो गया है। एक फौज, एक हमारे रक्षकों के साथ धोखे से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कहने का मतलब ये एक्सीडेंट हुआ है, इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं। अभी यहाँ कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट होता ही है ये कुछ नहीं है कि ये नहीं है। हर कोई अपने आप को सतर्क रहता है, हर कोई अपने आप को सतर्क रहना चाहिए। चलो ठीक है सर, आपने हमें जो गुरुजी हैं आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लूँगा, आपका नंबर लूँगा। आप पहले मूवी देखना, फिर मैं ऑनलाइन, या तो मैं यहाँ पे आऊँगा कॉन्टैक्ट लेके, ये आपसे ऑनलाइन रिव्यू लूँगा। आप पहले वो मूवी देखिए, फिर मैं आपका रिएक्शन जानूंगा। नहीं, मूवी क्या देखना, जिसके साथ भी अगर हुआ है, गलत हुआ है तो गलत हुआ है, किसी के साथ भी है। और हम मानवता के रक्षक हैं, हम प्रेम के पुजारी हैं, हम प्रेम जानते हैं, हमें कुछ और नहीं पता है। तो हम मानवता के रक्षक हैं, प्रेम के पुजारी हैं, शांति के पुजारी। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो हजारों लोग सड़कों पर तब तो आए ही नहीं, क्योंकि देखो चाहे तो आप लाओ ना, अब नहीं। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं नहीं, आप देश के नागरिक तो ला ही रहे, कहाँ लाए? आपकी जिम्मेदारी नहीं, अगर किसी के साथ शोषण होता आपकी जिम्मेदारी नहीं? आप लाओ पहले, आप क्यों लाए? आप इसको मीडिया में चलाओ, इसको मीडिया में शेयर करो। जो कौन सी मूवी बता रहे थे आप, शूद्रधर राजे, मैं आपके साथ में उसको आप अपने चैनल पे खूब दिखाइए, शेयर करिए। और मैं उसका आपका प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, उसी दिन स्क्रीन करवा दें। हाँ, स्क्रीन करा दिए, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। किसी के साथ गलत हुआ है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख है, किसी के साथ भी गलत हुआ है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो जानिए, हम इंसानियत पे जा रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, इंसानियत ही होती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के साथ भी गलत हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। गलत और सही को हम, चलो ठीक है, हम धर्म के हिसाब से नहीं देखते हैं, जो गलत है वो गलत है, सही है। यही है, किसी की हत्या ना हो, ये धर्म है, सभी शांति से रहे, ये धर्म है, यही राम राज्य है। जी शुक्रिया, आपने समय दिया। तो आप देखते रहिए जनता आवाज़, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।